अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBS। सभी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS 610 के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, तो मैंने क्यों सोचा कि इसकी वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 है और शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 5 हैं, और जबकि MCQs जो है 30 है। टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, भी आप जब भी इसको वॉच करें तो ये ज़रूर इसको वॉच करें, कुछ ना कुछ तो इसमें आएगा। ठीक है, जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होता या वीडियो अपडेट नहीं होती, उस वक्त तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप 2021 में, 22 में, 23 में इस वीडियो का जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन से लॉन्ग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ये दिया हुआ था, मल्टी कास्ट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 44 में से और पेज नंबर 144 है। ठीक है, तो हम इसी को सर्च कर लेते हैं, मल्टी कास्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ हैंडआउट खोले हुए हैं, मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये है मल्टी कास्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें ये एब्रिविएशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर किसी के पेपर में आ रही है, तो आपने ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये 5 प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको याद करना है, इसके एब्रिविएशन पेपर में आती है, जस्ट इसके टाइप और नाम लिखना होता है। ठीक है, ये MOSP उसकी पूरी फुल फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा लॉन्ग में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आएगा, इसको मैं जरूर देखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके अंदर IP एड्रेस, सबनेट मार्क्स दिए हुए थे, उसके अंदर कुछ हॉस्ट निकालना था, कुछ ऐसे कुछ निकालना था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ना ही वो मुझे आता था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, वो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में IP vs 6 एड्रेसिंग स्टेटमेंट दी हुई थी। ठीक है, उसकी टाइप डाटा लिखनी थी। ठीक है, तो IP vs 6 एड्रेसिंग क्या है वो देख लेते हैं, और इसकी टाइप लिखनी थी हमें। ठीक है, तो IP vs 6 में जो है, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था IP vs 6 एड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि इसमें कुछ टाइप दी भी गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपके टेस्ट पढ़ लें, इसमें ये होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर। ठीक है, यूनि में क्या होता है सिंगल, मल्टी में क्या होता है मल्टी। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हुई थी जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो सिंगल, कि वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या क्लस्टर है। ठीक है, तो 3 इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई थी और तीनों में से एक एक कोई आनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा, पूरे को याद रखिएगा। इसमें से काफ़ी MCQs भी हैं, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लॉन्ग। ठीक है, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन का पेपर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मुश्किल से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 से 6 थे आई थिंक, उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही याद हैं, तो वो मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पहला था, इफ़ यू वांट टू यूज़ वैन इन सिटीज कंट्री। ठीक है, अब आपको पता है लैंड जो होता है वो स्मॉल एरिया की होता है, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी एक ही जगह के लिए होता है लैंड इस्तेमाल। वैन जो होता है वो बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, और जबकि मैन जो है MAN वो होता है वाटर सिटीज़ के लिए, यानी आउट ऑफ सिटीज़ वगैरह के लिए। ठीक है, तो उसमें पूछा हुआ था कि अगर हमें वैन इस्तेमाल करनी चाहे आउट ऑफ सिटीज़ के ज़रिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो इसको आप नेट पे सर्च कर लें, इसका आंसर क्या होगा, तो मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए हम कर सकते हैं लाइक राउटर्स वगैरह। ठीक है, तो आप उसको नेट में सर्च कर लें, उसके बाद इसका आंसर लिखें। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन था ARP Circuit। ठीक है, तो इसको आप जब नेट पे या फिर हैंडआउट पे अपना सर्च कर लें ARP। ठीक है, तो ARP में जितनी भी चीज़ें हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ARP के मुताबिक क्वेश्चन आया आपका शॉर्ट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये तो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं MCQs पर। ठीक है, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो है आपके हैंडआउट्स हैं, कुछ आपके पास पेपर से, और कुछ जो है वो वक्कार मुजब के पेपर में से हैं। ठीक है, तो आपने 3 चीज़ें देखनी है, इसमें से आपके MCQs कवर हो जाएंगे। मैंने कमर बच्चे आपको 50% MCQs में आपको गाइड करूँगा, 15 से 17 MCQs। ठीक है, और बाकी आप लोग हाफ देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं OSPF क्या है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ये OSPF क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें OSPF, ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स लॉन्ग में आया है। ठीक है, इसी से 2-3-4 MCQs आराम से पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो ये मुझे मालूम था ये पेपर में आएगा, इसलिए मैंने उसको याद भी किया था, और उसको मैं जगह लिख के भी लेके गया था। ठीक है, तो उसके बावजूद हुआ ये कि ये MCQs में आया हुआ था, तो मुझे आसानी हो गई। फर्स्ट कह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि OSPF क्या होता है। ठीक है, अब ये एक MCQs में आया हुआ था। ठीक है, उसके अंदर ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो यानी एक MCQs में आता है OSPF क्या होता है, और एक क्वेश्चन में भी ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो OSPF क्या होता है आप ये देख सकते हैं। ठीक है,
ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एमसीक्यू दिए हुए थे, तो आपने याद रखना है इसका आंसर ये रहा, ठीक है, लिखा हुआ भी है। अब चले आई पी वर्सेस सिक्स यूजेस्ट और प्रीफिक्स वैल्यू, ठीक है। अब ये एमसीक्यू जो कुछ इस तरीके से आया हुआ था, नंबर टू में आई पी वर्सेस सिक्स यूजेस, और दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी देखें आप ही वर्सेस यूजेस डैश बिट एड्रेस, ठीक है, कितने बिट एड्रेस वो यूज़ करता है, तो 128D आपका आंसर है, ये एमसीक्यूज़ में आया हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से कई क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ था शॉर्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ का, सॉरी लॉन्ग में, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी आ सकता है इसकी प्रीफिक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर देखें ऑल एनीवेयर, ठीक है, तो इस तरीके से भी घुमा के आ सकते हैं। देखें 128 बिट एड्रेस इंक्लूड नेटवर्क प्रीफिक्स, ठीक है, क्यों, तो इस तरीके से भी आ सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आ सकते हैं, आपको देख लीजिए 128 बिट होती है इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आप लिखें आई पी वर्सेस सिक्स यूजेस डैश ऑप्टेट, ठीक है। तो ये एक सवाल आया हुआ था आपका, ये आई पी वर्सेस सिक्स में ही होगा, देख लेते हैं। ठीक है, बेस एड्रेस फिक्स इन, ठीक है, आई पी वर्सेस ये रहा इसका 40 ऑप्टेट इसका आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ा से घुमा के भी आपसे कुछ दिए होते, तो इसका आंसर ये रहा। अब चलते हैं नंबर फोर पर, डैश प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विसेज, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विसेज में होती है यूडीपी में, एक एमसीक्यू आया हुआ था आपका, ठीक है। अब चलते हैं थ्री वे हैंडशेक यूजेस डैश बिट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो थ्री वे हैंडशेक क्या करती है, थ्री वे हैंडशेक देख लेते हैं, इसका रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा 32 बिट, ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर 32 बिट। अब देखें ने डैश नेट फेस अपन एप्लीकेशन यूजेस द आई पी एड्रेस इंसर्ट ऑफ डोमेन नेम, डैश नेट है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेफिनेशन दी हुई आपको, ठीक है। देखें यहाँ लिखा हुआ है एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नेम टू, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म नेट, ठीक है, ये रहा। बेसिक नेट डज नॉट वर्क वेल फॉर कम्युनिकेशन सेट ऑफ द इंटरनेट, एंड ट्वाइस नेट अलाउ अ साइट टू रन सर्वर, इट रिक्वायर्स द रीअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेट सर्वर। ट्वाइस नेट फेल्स इफ एन एप्लीकेशन यूजेस द आई पी एड्रेस इंसर्ट ऑफ डोमेन नेम, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आया हुआ था, ठीक है, आई पी एड्रेस इंसर्ट ऑफ डोमेन नेम, तो क्या होगा, ट्वाइस नेट होगा, ठीक है। अब एक एमसीक्यूज कोई फ्रेगमेंटेशन ऑर्डर फ्रेगमेंटेशन का आया हुआ था, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रेगमेंटेशन और ऑर्डर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और नंबर एट में चलते हैं, तो नंबर एट में आते हैं नेटवर्किंग वी सेंड पैकेट्स इस कॉल, ठीक है। अब देखें हम कोई भी नेटवर्क में जो हम डाटा सेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करते हैं, ठीक है, इसको पैकेट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से घुमा के आया हुआ था, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए थे डाटा इन्फॉर्मेशन और दो ऑप्शन और दिए हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर डाटा है, लेकिन फिर भी आप इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हैंड आउट में शायद ये है नहीं, या है मैंने देखा नहीं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप कुछ एम सी क्यूज राउटिंग टेबल के भी आए हुए, ठीक है, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा हैंड आउट में से, ठीक है। आप चलते हैं नंबर टेन में, नंबर टेन में है टिपिकल इंटरनेट राउटिंग यूजेस अ कम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये आपका जो है पास पेपर में से आया हुआ था, ठीक है, ये वक्कार म्यूजियम की फाइल में से आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्स एंड होप काउंट। अब चलते हैं आगे, डैश नेटवर्क लाइज आउटसाइड सिटीज, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आउटसाइड सिटीज़ की बात होगी तो क्या आएगा, मैन, ठीक है। तो टी सी बी स्प्लेसिंग का कुछ एक एम सी क्यूज आया हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 13 पर, नंबर 13 पे है यस यूजेस आई पी इन कॉप्सिलेशन टू सेंड मल्टीकास्ट डाटाग्राम फ्रॉम वन साइड ऑन द इंटरनेट टू अदर, ठीक है। डैश यूजेस आई पी इन कॉप्सिलेशन टू सेंड मल्टीकास्ट डाटाग्राम फ्रॉम वन साइड टू अदर, ये भी आपका पास पेपर में से आया हुआ था, ठीक है। तो ई बी एस को आप देख लीजिएगा, इसी तरीके से नंबर 14 भी आपका पास पेपर में से आया था, मुझे आंसर ये है। और इसी तरीके से आपका 15 भी एड्रेस मार्क डिफाइन हाउ मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन डैश, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, एड्रेस मार्क्स को चेक कर लेते हैं हैंड आउट में है या नहीं, मिल नहीं रहा है, इसको आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। एड्रेस मार्क्स डिफाइन हाउ मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन डैश, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स है, ये आपको आप ढूंढेंगे आपको हैंड आउट में मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर लिखा हुआ 103 पर आप जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा नाम से, ठीक है। तो लिखा हुआ है डैश इज अ स्पेसिफिक पर्सनल डिवाइस डिसाइडेड टू टास्क फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये भी आपके पास पेपर में सारा बता, तो राउटर होता है, इसका आंसर राउटर है, ठीक है। आप 50% एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए, 30 में से 16 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के 14 आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुजम और वक्कार की फाइल में से आप पढ़ लीजिए, इसमें 50% एमसीक्यूज जो है वो आपके इसी फाइल में से आए हुए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिएगा, मोस्टली 50-60% जो है आपका पेपर यही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पेज नंबर 103 दिखा देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएँ।
ठीक है, प्रीफिक्स डिफाइन हाउ मच ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डैश एड्रेस मार्क्स डिफाइन हाउ मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन डैश, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर ऑप्शन दिए प्रीफिक्स सफिक्सेस, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, तो आप इसका आंसर देख रहे हैं। इसका आंसर प्रीफिक्स डिफाइन हाउ मेनी ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये था आपका CS 610 का। इसके अलावा अगर आप CS 601 का भी आप देख सकते हैं, उसमें भी 50% आपके इस वीडियो में से आ रहा है। और इसके अलावा MV211 का मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो दो इंपॉर्टेंट है फाइन ट्रेन की वीडियो, ठीक है। मैंने तीन वीडियो बनाई है फाइन ट्रेन की, और काफ़ी ज़्यादा नहीं बनाई, ठीक है, वो बनाई है जिसमें से 100%, जिसमें 50% चांसेस आने के, ठीक है। तो तीन वीडियो मैंने बनाई हुई है, MV211, CS 601 और 610 की मैंने अभी बनाई है, ठीक है। तीन वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। वीडियो खत्म होते ही आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप लोगों को मिल सकें, ठीक है। और इस पर अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।